अरे भाई, तुम इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही यहाँ पे टहल रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते में मत आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। पता नहीं कौन था, मुझसे ही सवाल कर रहा है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप 3D एनिमेशन की मदद से एनिमेटेड वीडियोस को कैसे बना सकते हो, जैसा आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। हालांकि ऐसे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, अमेजिंग स्टोरीज के साथ होते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इन सारे वीडियोज़ को बनाया जाता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एक बिगिनर के लिए, लेकिन आप इसको आसानी से सीख जाओगे। और इसके ऊपर काफ़ी कम वीडियोस मौजूद हैं हिंदी में, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। और आप लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहा है इसके ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताने वाला हूं, और इसके बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप इससे आसानी से कार्टून एनिमेटेड वीडियोज़ को बना सकते हो और यूट्यूब पर पब्लिश भी कर सकते हो। और इसके ऊपर आप लोगों को यूट्यूब पर और भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो चलिए यार, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर से हम इन एनिमेशन वीडियोस को बनाने वाले हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है iClone 7। ये कोई एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक रियलविजन का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है iClone 7। और इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को रियलविजन हब को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसी में से iClone 7, साथ ही साथ यहाँ पर कैरेक्टर क्रिएटर को डाउनलोड कर लेना है। कैरेक्टर क्रिएटर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर iClone 7 को ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी हार्ड लगता है लेकिन काफ़ी आसान सा है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे एक मॉडिफाई का आप लोगों को एक टैब मिल जाता है, साथ ही साथ यहां पे ऊपर आप लोगों को सारे टूल्स दिए जाते हैं और यहां पे साइड्स वगैरह भी आप लोगों को दिए जाते हैं। यहां पे सारे टूल्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं, यहां पे रोटेट करने का, स्केल को बढ़ाने का, और यहां पे है मेन आपका कंटेंट। तो ये पहले से नहीं रहेगा, आप लोगों को विंडो पे जाना रहेगा, उसके बाद में यहां पे कंटेंट मैनेजर को सिंपली क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में यहां पे आप लोगों को सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बनाना होगा, उसके लिए कंटेंट के सेट पे आप लोगों को जाना है, और उसके बाद में यहां पे आप लोगों को ट्रेन को सेलेक्ट करना है, ओके, जो कि मेन जमीन रहेगा हमारा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली मैं हाई ट्रेन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हिली ट्रेन को सिलेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे कुछ देर लोडिंग होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन आ जाएगा, ओके। तो ये ट्रेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरे ट्रेन को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये ट्रेन थोड़ा बेटर है, और यहाँ पे हम अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे हमें एनिमेशन करना है, ओके, जो कि सिंपल सी बात है और हम काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमें कैरेक्टर क्रिएटर से कैरेक्टर्स भी बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ठीक से यहाँ पे कैमरा एंगल को सेट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद में सिंपली हमें जाना है यहाँ पे ट्री सेक्शन में, ओके, क्योंकि हमें सबसे पहले पेड़ पौधों वगैरह को लगाना रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ट्रीज, ग्रास और भी टेक्सचर्स वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे मॉडल्स मिल जाते हैं आप लोगों को, ओके। तो आप किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। मैं इस ट्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाने होंगे, इनको आप सेट भी कर सकते हो, ओके। हमारा यहाँ पे ट्री इंपोर्ट हो चुका है और इसको मैं यहाँ पे सिंपली मूव कर सकता हूँ, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मूव भी कर पा रहा हूँ, मैं इसको अभी सही जगह पर इसको रख देता हूँ। साथ ही साथ मैं रोटेट भी कर सकता हूँ और इसके स्केल यानी साइज़ को भी बढ़ा सकता हूँ, और भी बहुत सारे टूल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ओके। मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट पे आता हूँ, और उसके बाद में मैंने और भी ट्रीज़ यहाँ पे लगाई हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे ही करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रीज़ लगा दी हैं। उसके बाद में आप लोगों को स्काई पे जाना है, और यहाँ पे किसी भी स्काई मोड को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सल जो स्काई है, जो कि हर एक बार यूज़ किया जाता है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा स्काई बन चुका है, इससे पहले ये ब्लैक हुआ करता था। अब इसके बाद में आप लोगों को वाटर का भी सेक्शन मिल जाता है, पार्टिकल्स जो कि बॉम्ब ब्लास्ट या फिर और भी सारे पार्टिकल्स वगैरह को आप लगा सकते हो। साथ ही साथ ग्रास को अभी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऐड किया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है कैरेक्टर पे, यानी कि एक्टर पे, और उसके बाद में हमें एवतार में जाके कैरेक्टर को, किसी भी कैरेक्टर को चूज़ कर लेना है। मुझे यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है, सिंपली मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके। और इसको साथ ही साथ मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लाने वाला हूँ, इसको आप मूव वगैरह तो कर ही सकते हो, आप लोगों को टूल्स मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसको पोजीशन सेट कर देता हूँ, ओके, सही से। और यहाँ पे मैंने दूसरा कैरेक्टर को भी ड्रैग कर दिया, और इसका जो भी आप देख रहे होगे यहाँ पे हाथ वगैरह, इसका दो साइड में यानी साइड
में हुआ है, हैंड साइड हुआ है, ओके। तो अभी हम इसको सही से करने वाले हैं। तो आप लोगों को जाना होगा यहाँ पे एनिमेशन टैब आप लोगों को दिखेगा, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे मोशन में पोज में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल वाला जो पोज है उसको अप्लाई कर देना है सिंपली डबल क्लिक करके, ओके। कैरेक्टर आपका चूज होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा कैरेक्टर सिंपली से सीधा सा खड़ा हो गया है। अब हमें यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी करना है, साथ ही साथ आप लोगों को मटेरियल्स भी मिल जाते हैं जिससे आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बर्फीला टाइप का टेक्सचर लाने वाला हूँ जिस तरीके से आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, ओके। तो हम सिंपली इस टेक्सचर को इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मतलब एनिमेशन सा काफ़ी मस्त सा लग रहा है, ओके। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे टाइमलाइन को ले आते हैं, ठीक है, विंडो पे क्लिक करके अब हम जा रहे हैं एनिमेशन करने में। इसमें थोड़ा सा ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। हमारा यहाँ पे कैरेक्टर चूज है, अब यहाँ पे हमें जाना है एनिमेशन टैब में, ओके। और इसमें सिंपली हमें थोड़ा सा आगे कर देना है, ओके। कैरेक्टर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं कैरेक्टर को अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अब सेलेक्ट कर दिया मैंने कैरेक्टर को, इसको थोड़ा सा मूव कर दिया मैंने और यहाँ पे मैंने देख सकते हो की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर दिया नीचे टाइमलाइन में, ओके। तो ये थोड़ा सा की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया। अभी मैं इसको पीछे करूँगा, देख सकते हो ये एनिमेशन बन चुका है, ओके। अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ये एनिमेशन बन चुका है। अभी ये रोटेट होगा जब भी मैं क्लिक करूँगा। अब इसके बाद में आप लोगों को कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है एनिमेशन टैब में, ओके। और यहाँ पे मोशन पपेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मूव पे जाकर किसी भी मूव वाले आइकन पे आप लोगों को क्लिक करना है जो आपको पसंद है और सिंपली रिकॉर्ड कर लेना है, ओके। और स्पेस बार को दबाना है, यहाँ पे देख सकते हो ये मूविंग टाइप का यहाँ पे जो सीन है एनिमेशन रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे मूव करा के हमें आगे लेके जाना होगा, उसके लिए सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे आ चुका हूँ। और स्टार्टिंग में क्लिक करके आप लोगों को सिंपली वहाँ तक जाना है जहाँ तक आपने इस एनिमेशन को यानी चलने वाले एनिमेशन को जहाँ तक आपने रिकॉर्ड किया है, ओके। तो मैंने जहाँ तक रिकॉर्ड किया वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो 140 की फ्रेम तक। और इसके बाद में आप लोगों का कैरेक्टर यहाँ पे सिंपली सिलेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक की फ्रेम तक ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक मैं इसको मतलब आगे मूव कर रहा हूँ वहाँ तक वो चला जाएगा, ओके। अब यहाँ ये काफ़ी हद तक यहाँ पे एनिमेशन बन चुका है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपली मैं इसको ऑर्बिट में लाता हूँ, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे हमें कैमरा वगैरह को भी आगे एडजस्ट करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे दूसरे को भी टॉकिंग पे लगा देता हूँ, ओके। सॉरी, फर्स्ट वाले को यहाँ पे टॉकिंग का एनिमेशन मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ओके। थोड़ा ऑर्बिट को मैं इस टाइप कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे अभी हम इसको एनिमेशन कराने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रीव्यू करते हैं, देख सकते हो तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बोलने की एक्टिंग हो रही है। तो हम इसको बैक करते हैं और सिंपली हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आप पहले प्रीव्यू करके देख सकते हो, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, ओके। यहाँ तक ये बोलेगा और हम आवाज़ को भी इंपोर्ट करने वाले हैं अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करके, वॉइस को रिकॉर्ड करके। और इसी तरीके से आप लोगों को दूसरे कैरेक्टर को भी आप यहाँ पे बोलने के लिए एनिमेशन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अदर एनिमेशन यानी आपकी जो स्टोरी है उसको आप इसी तरीके से बना सकते हो। आफ्टर ऑल आपको स्टोरी अपनी कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा भी एनिमेशन काफ़ी हद तक थोड़ा सा बन चुका है, लास्ट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ओके। अब इसके बाद में आप लोगों को, अगर आपको यहाँ पे आवाज़ को इंपोर्ट करना है तो आप लोगों को सेम उसी तरीके से एनिमेशन में जाना है, क्रिएट स्क्रिप्ट में जाना है और उसके बाद में सिंपली आप लोगों को अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है और रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है वहीं पे आपका यहाँ पे मेन की फ्रेम होना चाहिए, आपकी आवाज़ इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कैमरा एंगल, तो सबसे पहले आपका कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है ना उसी को बस मूव करना है। देख सकते हो मेरा स्क्रीन जैसा है सेम टू सेम वैसा ही वीडियो बनेगा कैमरा एंगल के साथ। जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो आप लोग को स्टार्टिंग में जो भी वीडियो दिखा होगा वो काफ़ी हद तक यहाँ पे 360 डिग्री रोटेटिंग और वहाँ पे बीच में कैरेक्टर बोल रहा है सेम उसी तरीके से आप लोगों को दिखा होगा। सिंपली आप लोगों को कुछ भी सेलेक्ट ना करके आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक स्क्रीन जो आपका वही जो स्क्रीन पे दिखेगा सेम टू सेम वही कैमरा यानी वीडियो बनने के बाद भी दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली मेरा सिलेक्टेड नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिट में ले जाकर पीछे कर रहा हूँ, ओके। आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन जहाँ पे है वही आप लोगों को वीडियो दिखेगा यानी वही कैमरा है, ओके। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल मेरा कैमरा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को रेंडर पे जाना है और यहाँ पे रेंडर वीडियो पे जाना है। हम यहाँ पे अपना फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो, इमेज इंपोर्ट करना है वैसे तो हम लोगों को वीडियो ही करना रहता है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका MP4, तो मुझे MP4 ही चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप फ्रेम रेट वगैरह को सेट कर सकते हो, क्वालिटी वगैरह। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसा चाहिए, HD चाहिए या फिर 4K चाहिए या फिर फुल HD चाहिए, बस आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को रेशियो को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ओके। और यहाँ पे आप लोगों का जो भी जिस टाइप में आप लोगों को जिस लोकेशन पे आपको करना है वो सारी चीज़ें आप लिख दो। नेम लिखने के बाद सिंपली आप लोगों को ओके करना है।
और यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप लोगों को हो सकता है आधा घंटा से लेकर एक घंटा ले ले, जिस टाइप से आपका एनिमेशन है, जितना बड़ा एनिमेशन है उसी टाइप से टाइम ले सकता है। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद मैं सिंपली इसको कट करता हूँ। ओके, काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने सिर्फ बेसिक्स आप लोगों को बताया। यहाँ पे देख सकते हो मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा काफ़ी अच्छी एनिमेशन बनी है जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी थी। तो आई होप यार आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप चाहो तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा की तरह बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।